कॉन्टो कैसे हो तुम लोग? उम्मीद है कि तुम लोग बहुत ही अच्छे हो गए, और नहीं भी हो गए तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्या बोला तूने? तो आज की इस वीडियो में तुम्हारा भाई ना तुम लोगों को कुछ अचानक भयानक भयंकर बग्स और कुछ ऐसे ट्रिक्स और ग्लिचेस बताने वाला है ना, जिनको देखने के बाद तुम लोगों का रिएक्शन ना कुछ ऐसा होने वाला है। तो बस तुम लोगों को करना है ना कि तुम लोग इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखना है, क्योंकि इस वीडियो में ना तुम लोगों को बहुत ही ज्यादा मजे आने वाले हैं। और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद ना तुम लोग मुझे यही बोलने वाले हो, ये बढ़िया था गुरु। और हाँ, तुम लोग अगर इस चैनल पे नए आ रहे हो ना, मतलब पहली बार मेरा चैनल देख रहे हो, तो मजे आएंगे तुम लोग यार, सब्सक्राइब कर लो। ओके, तो उम्मीद है कि तुम लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर ही लिया होगा। तो चलो शुरू करते हैं, आइए देखते हैं, बैठचंद मजा आएगा। तो अभी अपने सबसे पहले वाले ट्रिक को करने के लिए तुम लोगों को किसी भी लॉन्च पैड के पास चले जाना है सबसे पहले। फिर जो तुम्हारा जो वेपन स्विच का जो बटन होता है ना, तुम लोग को दिख रहा होगा ऊपर की साइड, तुम लोग इसे इनेबल कर लेना अपने सेटिंग से। और फिर तुम लोग करना है ना, जो तुम्हारा जॉयस्टिक का बटन होता है उसको तुम लोग किसी एक साइड घुमा के लॉन्च पैड पे चढ़ जाना है। और फिर यहाँ पे आने के बाद तुम लोग को फायर हो जाना, और जिस साइड तुम लोगों ने अपने जॉयस्टिक बटन को घुमाया था ना, उसी साइड ना तुम लोग अपने स्क्रीन को प्रेस करके रखना है। फिर तुम लोग अपना वेपन स्विच कर देना, फिर देख ही सकते हो तुम्हारा लॉन्च पैड ना आगे की जगह पूरा पीछे आ रहा है। मतलब कि ये वाली ट्रिक ना कुछ अचानक भयानक भयंकर है, मतलब तुम लॉन्च पैड से ना काफी दूर तक जा सकते हो इस वाली ट्रिक का इस्तेमाल करके। यहाँ पे तुम लोग देखी तो यहाँ पे मैं इस वाली ट्रिक का यूज कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जैसे मैं अपना वेपन स्विच करता हूँ, उसके बाद देखी तो मेरा करेक्टर ना पूरा पानी में मेरे को लेके जा रहा है। मतलब तुम लोग देखी तो ना, मतलब स्विच करने के बाद तुम्हारा करेक्टर ना पूछ के ऐसे अपने लॉन्च पैड को आगे पीछे लेके जाएगा ना, मतलब पगला ही जाओगे तुम लोग देख के इसको। और ना अगर तुम लोग इस वाली ट्रिक को अपने फ्रेंड के सामने करते हो ना, मतलब वो पगला ही जाने वाला है। किसी एनिमी के सामने भी तुम लोग ये करोगे ना, मतलब वो देख लेंगे तो पूरा पगला ही जाएंगे कि तुम्हारा करेक्टर ना पीछे कैसे जा रहा है। तो अभी तुम लोग देखी तो ये वाली ट्रिक ना काफी औसम है, तो इस वाली ट्रिक के लिए एक लाइक तो बनता है, तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो। ओके, अभी अपने दूसरे नंबर वाले ट्रिक को करने के लिए सबसे पहले तुम लोग एक बाइक को लेना है। फिर तुम लोगों ने किसी भी रोड साइड पे आ जाना, फिर तुम लोग अपने बाइक को ना रोड पे लाके खड़ा कर देना कुछ ऐसे। और जैसे ना तुम अपने बाइक को खड़ा कर दोगे यहाँ पे, फिर तुम लोग करना है कि सबसे पहले तुम लोग को जंप करना है, फिर तुम लोग को ड्राइव पे क्लिक करना है और फायर बटन को प्रेस करना है। और जैसे तुम लोग एक साथ कर दोगे ना, तुम्हारा कैरेक्टर कुछ ऐसा गन हाथ में लिए बैठ जाएगा गाड़ी पे। और ना जैसे तुम लोग का कैरेक्टर भी कुछ ऐसा हो जाएगा ना, फिर तुम लोग अपनी बाइक को ना कुछ आगे की साइड भगाते रहना, मतलब कुछ दूर पे घुमा देना है। और फिर तुम लोग को इस वाले गेम प्ले को ना जाकर रिप्ले में देखना है। तो यहाँ पे तुम लोग देखी तो ना, मैं अपने गेम प्ले को रिप्ले में कुछ ऐसे देख रहा हूँ। इसके बाद तुम लोग ने जो किया था ना, उसके बाद तुम लोग देख सकते हो यहाँ पे ना तुम्हारा कैरेक्टर पूरा गाड़ी के ऊपर खड़ा हो चुका है, जो कि देखने में ना कुछ खतरनाक लग रहा है। कि कोई नेमी भी होगा ना जो तुम लोग को देख रहा होगा इस गेम में ना, उसको भी कुछ ऐसा दिखाई देने वाला है। अगर तुम्हारे फ्रेंड्स भी तुम्हारे गेम में होंगे ना, तो उन्हें भी कुछ ऐसा ट्रिक दिखाई देने वाला है वाला। और ना अगर तुम लोग इस वाली ट्रिक को अपने फ्रेंड के सामने करते हो, तो पूरा पगला ही जाने वाला है कि कैसे तुम्हारा कैरेक्टर ना पूरा बाइक पे खड़ा हो चुका है, जो कि देखने में ना काफी खतरनाक लग रहा है। और अगर इस वाली ट्रिक को करते हो ना, तुम्हारे स्क्वाड मेट तुम्हें देखेंगे ना, मतलब वो पूरा पगला ही जाएंगे और उन्हें भी कुछ ऐसा दिखाई देने वाला है। और तुम लोग इस वाली ट्रिक को ना अपने रिप्ले में भी आके देख सकते हो कुछ ऐसे। तो तुम लोग देख सकते हो अपनी ये वाली ट्रिक ना काफी खतरनाक है, तो इस वाली ट्रिक के लिए एक सब्सक्राइब तो बनता है। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक और चैनल भी सब्सक्राइब कर दो यार, ऐसी और अमेजिंग ट्रिक्स देखने के लिए। ओके, तो अभी अपने तीसरे नंबर वाले ट्रिक को करने के लिए तुम लोग जो अपनी व्हाइट वाली गाड़ी होती है, उसे मिल की साइड ना इस वाली जगह पे कुछ ऐसा खड़ा करके इंटर और गेट आउट करना है। फिर तुम लोग देख ही सकते हो, तुम लोग पूरा ना जो अपना मिल होता है ना, उसके अंदर आ चुके हो। और ना जैसे तुम लोग मिल के अंदर आ जाओगे, यहाँ पे आने के बाद तुम लोग बहुत आराम से ना अपना रैंक पुश कर सकते हो और बहुत सारे किल भी कर सकते हो, क्योंकि इस वाली जगह पे ना तुम लोग को लिटरली कोई नहीं देख पाएगा। और ना अगर तुम लोग रैंक पुश करके बहुत ही जल्दी हीरो को ग्रैंड मास्टर करना चाहते हो ना, तो ये वाली ट्रिक ना तुम लोग के लिए काफी यूजफुल होने वाली है। और इस वाली ट्रिक का इस्तेमाल करके तुम लोग बहुत सारे किल कर सकते हो और बहुत आराम से अपना रैंक पुश भी कर सकते हो। और ना अगर लास्ट वाला जोन मिल पे बन जाता है ना, तो यहाँ पे बंदे छुपने के लिए ना काफी जगह होती है बंदों के लिए, तो तुम लोग नीचे से ना उन्हें आगे बहुत ही आराम से मार सकते हो। तो भी अपने चौथे नंबर वाले ट्रिक को करने के लिए अपनी व्हाइट वाली गाड़ी को तुम लोग लेके ना विमा शक्ति की इस वाली जगह पे आ देना। फिर तुम लोग अपनी व्हाइट वाली गाड़ी को ना इस वाली जगह पे कुछ ऐसा लगा देना है। और जैसे तुम लोग अपनी गाड़ी को लगा दोगे ना, उसके बाद तुम लोग इंटर और गेट आउट करना। उसके बाद देखी तो तुम लोग पूरा ना इस वाले ट्रक के नीचे आ चुके हो। और ना जैसे ही तुम लोग इस वाले ट्रक के नीचे आ जाओगे ना, यहाँ पे आने के बाद तुम लोग बहुत ही आराम से अपना रैंक पुश कर सकते हो और बहुत सारे किल भी कर सकते हो। और इस वाली जगह पे ना तुम लोग कोई नहीं देख पाएगा और बहुत ही आराम से तुम लोग इस वाली जगह से अपना रैंक पुश भी कर पाओगे। और ना अगर लास्ट वाला जोन या सेकंड लास्ट जोन भी यहाँ पे बन जाता है, तो ना इस वाली जगह से तुम लोग बहुत सारे किल कर पाओगे और कोई तुम्हें देख भी नहीं पाएगा और बहुत आराम से ना तुम लोग अपने गेम को पूजा भी कर पाओगे। और ना अगर तुम लोग अपने स्क्वाड के साथ भी यहाँ पे आना चाहते हो, तो बहुत आराम से अपने स्क्वाड के साथ भी ना तुम लोग इस वाली जगह पे आ सकते हो और बहुत सारे किल कर सकते हो और बहुत आराम से ना अपना रैंक पुश कर सकते हो। अच्छा, तो अभी अपने पांचवें नंबर वाले ट्रिक को करने के लिए तुम लोग को बैक स्विंग मोड में ना इस वाली जिपलाइन के पास आ जाना। फिर तुम्हारा जो लकड़ी का खंबे जैसा होता है ना मिट्टी का, उसको तुम लोग कुछ इस वाली जगह पे जिपलाइन पे लगा देना है। और फिर तुम लोग ना जिपलाइन पकड़ के उस साइड चला जाना है। और फिर तुम लोग ना जिपलाइन पकड़ के उस साइड से इस साइड आना है। और जैसे तुम लोग उस साइड से इस साइड आओगे ना, तुम लोग पूरा जो दीवार के अंदर आ चुके हो, देख ही सकते हो तुम लोग। और ना जैसे तुम लोग इस वाली दीवार के अंदर जाओगे ना, यहाँ पे तुम लोग कोई नहीं देख पाएगा और बहुत आराम से ना तुम लोग बंदों को मार पाओगे इस वाली जगह से। और ना अगर इस वाली ट्रिक का इस्तेमाल तुम लोग अपने फ्रेंड के सामने करते हो और उन्हें दिखाते हो ना ये वाला ट्रिक, तो पूरा पगला ही
जाएंगे ना कि क्या ही ट्रिक है वाली। बात तो सही है। तो बस आज की इस वीडियो में बस इतने, इन पांचों ट्रिक्स में से ना सबसे ज्यादा तुम लोगों को कौन सी ट्रिक पसंद आई कमेंट में जरूर बताना। और हाँ, अभी तक तुमने इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, ऐसी और अमेजिंग वीडियोस और ट्रिक्स देखने के लिए डेली। ठीक है समरिया, तो बस अभी के लिए बस इतना ही बोलना था, तो वीडियो खत्म, भागो यहाँ से।